नाज़रीन, सियासत और कानून के साथ मुईद पीरज़ादा और बाबर सत्तार आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसा कि आपको याद होगा, गुज़श्ता दिन प्रोग्राम के इख्तिताम में मैंने कहा था कि आज हम जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साबका सदर के केस को डिस्कस करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि 16 तारीख को जनरल साहब अदालत के सामने पेश होंगे। ये मौका है और जो 16 तारीख को पेश होंगे नाज़रीन, तो हम उस वक्त तो डिस्कस करेंगे ही, लेकिन आज ये मौका है कि इस केस के तमाम असरार व रमूज को, इसके तमाम आस्पेक्ट्स को हम देख सकें। ये कहना जरूरी है कि नाज़रीन, मेरे और बाबर सत्तार के मौकफ में बहुत फर्क है और मैं बाबर सत्तार को दावत देता हूँ कि अपना केस प्रेजेंट करें। डॉक्टर साहब, मेरा केस सिंपल है। जनरल मुशर्रफ को एक बावकार तरीके से अदालत में पेश होना चाहिए और अपने अमाल जो भी हैं उन्हें डिफेंड करना चाहिए। हम उन्हें पेश कर रहे हैं मीडिया के सामने, या मीडिया पेश कर रहा है कि जैसे एक बुजुर्ग बीमार शख्सियत है, बेचारे को अदालतों में घसीटा जा रहा है, बड़ा जुल्म हो रहा है उनके साथ। देखिए, यहां पर बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोलिटिकल क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन इन्वॉल्व हैं। सवाल यह है कि क्या हमारा आईन सबके लिए बराबर है, या आमिर जो है वो किसी खास मिट्टी से बने, सोने फौकियत हासिल होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कोई सुप्रीम लॉ है, या फिर कोई ट्रैफिक लाइट है कि वीआईपी मूवमेंट आएगी तो आप उसे रोक देंगे। तीसरा सवाल यह है कि डेमोक्रेसी क्या उस वक्त तक चलेगी जब हाजिर नौकरी आर्मी चीफ कहेगा कि हुकूमत ठीक ठाक चल रही है, और अगर वो उससे नाराज हो जाएगा तो उसे रैप अप करके भिजवा देगा, या फिर बुरी हुकूमतें भी चलेंगी, अच्छी भी चलेंगी, और लोग फैसला करेंगे कि अच्छी है या बुरी है। चौथी बात यह है कि क्या हम फौजी किसी आमिर का ट्रायल करते हुए ये सोचते रहेंगे, डरते रहेंगे कि क्या आसमान तो नहीं टूट पड़ेगा, जमीन तो नहीं फट जाएगी, या फिर हम आईन और कानून के मुताबिक आगे चलेंगे और जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो माशरा उसके साथ डील करेगा। और आखिरी जो कानूनी बात है मेरे ख्याल में, वो जरूरी ये है कि ये ट्रायल फेयर होगा और क्या नजर आएगा कि ये फेयर हो रहा है, और क्या अदालतें ये परसेप्शन क्रिएट करेंगी, कर पाएंगी कि मुशर्रफ साहब को इंसाफ मिल रहा है। देखिए, चारों पांचों पॉइंट जो बाबर आपने कहे, ये अपने तीन बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। मतलब आई रिस्पेक्ट दीज पॉइंट्स, और मैं चाहूंगा कि इस प्रोग्राम के अंदर, इस बहस के अंदर, हम इन पॉइंट्स को मतलब डिस्कस भी करें। आप इनको दोबारा भी असर्ट कीजिएगा पॉइंट्स को। लेकिन मैं अपने व्यूवर्स के लिए, बिकॉज हो सकता है मैं आपको कन्विंस ना कर सकूं, लेकिन मैं समझता हूं कि हर व्यूवर जो है उसका अपना एक जहन है, उसका अपना एक दिमाग है, उसकी अपनी एक जजमेंट है, उसका अपना एक शऊर है। तो मैं अपने व्यूवर्स के लिए मैं उस सारी साइड का भी पॉइंट ऑफ व्यू लेके आना चाहता हूं जो समझते हैं कि ये ट्रायल जो है ये फार्सिकल है, ये एक कैंगरू, जैसे एक मोहतरमा आसमा जहांगीर साहिबा ने गुज़श्ता दिन कहा कि ये कैंगरू ट्रायल कोर्ट हो रहा है, और अगर इसी तरह से ये ट्रायल होगा और इसी तरह से सजा दी जाएगी तो अगली जो इंटरवेंशन यहां पे मार्शाला की होगी वो 20-21 बरस की हो सकती है। पता नहीं वो सही कहती है नहीं कहती, लेकिन मैं वो जो साइड है उसके पॉइंट ऑफ व्यू को मैं एक्सप्रेस करना चाहता हूं। चले डराते हैं, सही है, मैं एक्सप्लेन करूंगा। मैं सबसे अग्री भी नहीं करता, लेकिन मैं दो तीन चीजें उसमें कहना चाहता हूं बहुत शुरू में। देखिए, मेरा पहला पॉइंट यह है बाबर सत्तार के, बाबर साहब मेरा पहला पॉइंट यह है कि सियासत जो है, जो सियासत की बसात है, जैसे कि हमारी इस बहस का मौजू है सियासत और कानून, सियासत की जो बसात है वो कानून की और अदालतों की और वकला की बसात से बहुत बड़ी है। सियासी अमल से और तारीख के अमल से रियासत मारज वजूद में आती है, और रियासत के अंदर उसकी जो म्यूनसिपल कोर्ट्स होती हैं, उसकी जो अदालतें होती हैं, उसके जो आइन होते हैं वो उसके अंदर काम करते हैं। जब आज से 600-700 बरस पहले फॉर्मल कोर्ट्स नहीं होती थी, आज से 2000 साल पहले फॉर्मल कोर्ट्स नहीं होती थी, सुप्रीम कोर्ट्स नहीं होती थी, चीफ कोर्ट्स नहीं होती थी, उस वक्त भी एक सियासत का प्रोसेस था जो रोमन एम्पायर को, ऑटोमन एम्पायर को खड़ा करता था। तो रियासत का जो प्रोसेस है उसका ताल्लुक सियासत से, सियासत की बसात बहुत बड़ी है। और अब मैं उसमें आपको एक्सप्लेन करता हूं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। देखिए, जब मोहतरम नवाज शरीफ साहब, और मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, अगर जनरल मुशर्रफ से तो मैंने पहली दफा उनके इंटरव्यू से पहले हाथ मिलाया है, नवाज शरीफ साहब के साथ मेरी बड़ी दिली कुर्बत है। मैं लंदन में था जब वो एग्जाइल में थे, मेरी उनसे मुलाकात होती थी, उन्होंने हमेशा मुझे बड़ी इज्जत दी है, बड़ी अफेक्शन दी है उन्होंने मुझे, दोनों ने, शहबाज शरीफ साहब ने भी और नवाज शरीफ साहब ने भी, और उसको भी मैं डिस्कस करूंगा इस प्रोग्राम। लेकिन देखिए, जब दिसंबर 2000 में मोहतरम नवाज शरीफ साहब और उनके खानदान सऊदी अरब की एक इंटरवेंशन के बाद पाकिस्तान से सऊदी अरब तशरीफ ले गए, तो वो ये किसी अदालत का कराया गया हुआ फैसला नहीं था, इसकी कानूनी हैसियत भी बड़ी मशकूक थी, लेकिन ये एक सियासी डील थी। जब 2004, 2005 और 2006 में मोहतरम नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, उनके घर वाले आहिस्ता आहिस्ता, कभी बीमारी की वजह से, मैं नहीं कहता कि बीमारी के बहाने की वजह, मैं कहता बीमारी की वजह से, जब वो सऊदी अरब से जो है वो लंदन तशरीफ लाए, तो हुकूमत पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में उसमें रजामंदी की और उनको पासपोर्ट इशू किए गए। मुझे याद है, मेहरबानी कीजिए, मैं वो एक्सप्लेन करना चाहता हूं। जब देखिए, मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको क्या था
किया, नहीं मेहरबानी नहीं की, लेकिन ये कॉम्प्रोमाइजेज हैं, पॉलिटिकल डील्स हैं, इनबिल्ट हैं। जब 2006 के आखिर में मोहतरम शहबाज शरीफ साहब लंदन से उन्होंने वापस आए पाकिस्तान में, और उनको मुशरफ ने बहुत ही बेदर्दी से दोबारा धक्का मार के गिरफ्तार करके सऊदी अरब भेज दिया, कुछ महीनों के बाद वो दोबारा फिर सऊदी अरब से पाकिस्तानी पासपोर्ट पर ट्रेवल करके वो लंदन आ गए, ये भी पोलिटिकल डील थी। जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने एनआरओ की डील की 2006 और 2007 में मुशरफ साहब के साथ, जिसमें कयानी साहब गारंटर थे, अमेरिकन उसमें इन्वॉल्व थे, 2 साल तक ये नेगोशिएशन होती रही और हम उसके बारे में पढ़ते रहे, वो भी एक सियासी डील थी जिसके नतीजे में पॉलिटिकल प्रोसेस ने आगे चलना था। जब एनआरओ की डील के नतीजे में मोहतरमा यहां आई तो फिर सऊदी इंटरवेंशन के नतीजे में मुझे याद है कि नवाज शरीफ साहब ने पीएमएलएन ने लॉबी किया, उन्होंने शर्म दिलाई सऊदी हुकूमत को, तो डिनाई नहीं कर रहे, मुझे एक्सप्लेन करना, मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, तो ये जब वापस आए और फिर उसके नतीजे में जब मोहतरम शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब भी पाकिस्तान तशरीफ लाए, पॉलिटिकल प्रोसेस आगे चला, तो ये भी सियासत का एक प्रोसेस था। फिर मुझे ये भी बताने दीजिए लोगों को, व्यूअर्स को, कि एनआरओ के बाद जब इलेक्शन हुए, फिर उसके बाद जब जो लॉयर्स कैंपेन थी वो भी बहुत हद तक एक सियासी कैंपेन थी, उसके लीगल कंपोनेंट थे, एतजाज अहसन साहब ने, बड़ी डिस्कशंस मेरी उनसे हुई, लंदन भी वो तशरीफ लाते थे, उसके दोनों कंपोनेंट थे, ब्रिलियंट थी, उन्होंने इसको कोर्ट्स में भी लड़ा, उन्होंने इसको सड़कों पर भी लड़ा, उसमें अगर सियासत इन्वॉल्व हो तो उसमें फिर कानून का कोई अमल नहीं। आखिरी मैं एक चुकड़ा ये कह दूं कि जब इसे कहते हैं पीएमएलएन ने धक्का मारा, पुश की, पीएमएलएन के धक्के से, किसी अदालत के अमल से नहीं, जब हमारी लॉयर्स, जब इसे कहते हैं, जब इफ्तिखार चौधरी साहब की कोर्ट जो है वो मार्च 2009 में रिस्टोर हुई सुप्रीम कोर्ट, तो वो भी दर हकीकत एक पॉलिटिकल प्रोसेस था जिसमें जनरल कियानी ने मेडिएट किया और पीएमएलएन ने धक्का मारा। पीएमएलएन के पॉलिटिकल शो के बगैर, उनकी स्ट्रीट पावर के बगैर ये रेस्टोरेशन नहीं हो सकती। मेरा फाइनल पॉइंट ये है कि एक स्पेशल कोर्ट 3 बंदों की बना के, जज साहिबान की, जिसके ऊपर आधा मुल्क शोर मचा रहा है, जिसके ऊपर तंकीद हो रही है, जिसमें एफिलिएशन के झगड़े हैं, जिसमें कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर या उनके रुफका कार से जज साहिबान की, जैसे कि जैस्मीन मंजूर ने इल्जाम लगाया है, जब इस किस्म की कोर्ट के अंदर आप पाकिस्तान की इतनी पेचीदा सियासत को और तारीख को समुंदर को कूजे में बाबर सत्तार साहब डालने की कोशिश कर रहे हैं, इसके नतायज आप इस इश्यू को ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं जैसे किसी बादशाह सलामत ने अपनी मर्जी से 3 जज लगा दिए कि जनाब एक खास कोर्ट बनाएंगे हम इनके लिए, ऐसे नहीं हुआ। जितनी आपने तफसील दी उसके अंदर हर चीज सियासत है, लेकिन उसका एक लीगल एस्पेक्ट था। नवाज शरीफ साहब को अटक जेल में बंद किया गया, बड़ा अनफॉर्चुनेट था, उनका ट्रायल हुआ, उनकी कन्विक्शन हुई, उसके बाद उनका पार्डन हुआ, जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने आईन के अंदर जो प्रोविजन है उसके तहत पार्डन किया, उसके बाद उन्हें बाहर भेज दिया। ठीक है, एक सियासी डील भी होगी कि जनाब इतने साल आप वापस नहीं आएंगे। आपने दूसरी बात यह कही कि ये जब वापस आए और इन्हें वापस भिजवा दिया, नवाज शरीफ साहब को एक मुकदमा चला और अदालत ने यह हुक्म दिया कि आप किसी के फंडामेंटल राइट्स को सल्व नहीं कर सकते, पीएमएलएन वर्सेज स्टेट ऑफ पाकिस्तान, उसके ऊपर बाकायदा फैसला हुआ। एनआरओ सियासी डील थी, वो मुकदमा चला और मुकदमे में अदालत ने उसे स्ट्राइक डाउन कर दिया और कहा कि इस तरह की आप सियासी डील। छोटी सी इंटरवेंशन करना चाहता हूं, बाकी बातें आपकी सही। देखिए, नवाज शरीफ साहब का जो मुकदमा चला जिसमें एक ट्वाइस इलेक्टेड, पॉपुलरली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जिसने 1997 में 2/3 मेजोरिटी से अपना इलेक्शन जीता, पॉलिटिकल मिस्टेक्स हुई, डिसरप्शन हो गई, जिस तरह से नवाज शरीफ के खिलाफ हाईजैकर केस और त्यारा साजिश केस चला, वो भी फार्सिकल ट्रायल था। मैं ये चीज ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं। उसका रिव्यू हो गया और अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस फैसले को साइड पे रख दिया। वो रिव्यू तो देखिए ना कितने बरस के बाद। ठीक है, हम पहले को जरा हल कर लेना इशू को। आपने खत्म कैसे होती है बात आके, एक स्पेशल कोर्ट क्यों बनी? क्योंकि एक आर्टिकल 6 है हमारे आईन के अंदर जो ये कहता है कि अगर कोई ट्रीजन करेगा तो उसकी सजा वो होगी और वो वैसे चलेगी जिस तरह पार्लियामेंट बताएगी कानून के तहत। पार्लियामेंट ने एक हाई ट्रीजन एक्ट बना दिया, उन्होंने कहा कि जनाब, और वो 2 सफों का एक्ट है, वो कहता है कि जनाब इस तरह से पनिशमेंट आप देंगे, उसके लिए स्पेशल कोर्ट बनेगी। एक स्पेशल कोर्ट एक्ट बना जिसके अंदर बताया गया कि अगर कभी भी ये चीज हुई, फेडरल गवर्नमेंट प्रोसिक्यूशन फाइल करेगी और अदालत इस तरह से बनेगी जिसमें 3 हाईकोर्ट के जज होंगे, वो बैठेंगे। अच्छा, उसका प्रोसेस बता दिया। आपको बिल्कुल नहीं चाहता, लेकिन आपको पता है कि ब्रेक का वक्त आ गया। नासिर, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इस डिस्कशन को इसी पॉइंट से, और भी इसमें बड़े सियासी मामलात हैं, असर और रमूज हैं, उन्हें लेके आते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। वहीं से शुरू करते हैं जहां बाबर अपनी बात मुकम्मल कर रहे थे। जी बाबर, डॉक्टर साहब, मैं ये कह रहा हूं कि जो अदालत बनी है वो किसी सियासी अमल के तहत ही बनी। जो
कानून बनता है वो सियासी अमल के तहत बनता है, लेकिन अदालत एक कानून है, मौजूद है, उसके तहत ही अदालत बनाई गई है। कोई अपनी किसी ने मर्जी से मुशर्रफ साहब को सजा देने के लिए ये अदालत नहीं बनाई, एक कानून के मुताबिक, एग्जैक्ट प्रोसीजर के मुताबिक बनाई गई है, पहली बात। दूसरी बात, जो आपने आपका जो बेसिक पॉइंट था उससे उसमें मेरा डिसएग्रीमेंट ये है, सियासत को तो कोई डिनाई नहीं कर रहा, इशू यह है कि सियासत का एक लीगल पहलू भी होता है। अच्छा। और जब वो लीगल पहलू आ जाए तो फिर आपने लीगल बहस करनी है। हमारी जो अदालतें हैं जी, इस पर हम आएंगे। मैं देखें आपके पिछले पॉइंट का थोड़ा सा जवाब देना चाहता हूं, बहुत ही क्योंकि मैं ये बड़ी आज रिसर्च इस पे कर रहा था। अब ये देखिए, आप ये कहते हैं कि जब एक लीगल अमल शुरू हो जाता है तो वो लीगल अमल होता है। मैंने ये देखा है पाकिस्तान की तारीख में, और बहुत से और लोगों ने देखा है, हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, कि जिस किस्म की सियासत होती है, जिसका कंट्रोल होता है इस्लामाबाद के ऊपर, सड़कों पे जो चीज पॉपुलर होती है उस वक्त, उस किस्म के नतीजे जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट से आते हैं। और हमने ये भी देखा कि दुनिया के अक्सर ममालिक में सुप्रीम कोर्ट को कभी चीफ कोर्ट कहा जाता है, कभी इसको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कहा जाता है, कभी इसको पोलिटिकल कोर्ट भी मतलब समझा जाता है कि ये पोलिटिकल कोर्ट होती है। आप देखिए 13 मई 2000 का जो फैसला है, जफर अली शाह का केस जो है, उसमें 12 जजेस जो है वो यूनानिमस डिसीजन करते हैं और कू को लीगल करार देते हैं। उसको जब पढ़े तो वो कहते हैं कि किस तरह से मोहतरम नवाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है वो डिसफंक्शनल, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, ठीक है। और उस फैसले के अंदर जहां इरशाद हसन खान साहब ने वो फैसला पढ़ के सुनाया, वहां इफ्तिखार चौधरी साहब उस फैसले में शामिल थे। एक चीज, अच्छा, अक्टूबर 2000 में वैलिडेशन होती है LFO के 2002 की, जिसमें वतन पार्टी वर्सेज द चीफ एग्जीक्यूटिव एक पिटीशन है, जिसमें रियाज शेख साहब हैं, मुनीर शेख हैं, उसके अंदर नसीम जनाब सदीकी साहब हैं, उसके अंदर इफ्तिखार चौधरी साहब भी हैं, उसमें काजी मोहम्मद फारूक हैं। अच्छा, फिर एक और उसमें भी वैलिडेशन हो जाती है। फिर अप्रैल 2005 का एक फैसला है पाकिस्तान लॉयर फोरम वर्सेस द फेडरेशन का, उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि जस्टिस इफ्तिखार चौधरी भी हैं और उसके अंदर अब्दुल हमीद डोगर भी हैं, और दोनों जो हैं वो उसमें फैसला फेवर में करते हैं। मेरा कहने का मतलब क्या है, पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है, जो सियासत होती है, जो सियासत होती है रियासत की, अभी भी वही हो रहा है। इस चीज से मैं ये कह रहा हूं, कोई डिनायल नहीं है, नहीं नहीं, ये मैं यहां पे आपसे डिसएग्री कर रहा हूं, मुझे सिर्फ जुमला कंप्लीट कर, इस वक्त जो वफाकी हुकूमत की सियासत है वही स्पेशल कोर्ट में जज वही फैसला करेगा। बिल्कुल, आप क्या करेंगे, देखिए फर्क क्या है, देखिए स्पेशल कोर्ट क्या फैसला कर पाएगी, स्पेशल कोर्ट कोई और फैसला कर ही नहीं पाएगी एक्सेप्ट फॉर कन्विक्शन, कर ही नहीं सकते, कैसे करेंगे। देखिए डॉक्टर साहब, अब आपने ना आपने हिस्ट्री को करंट सिचुएशन से कंफ्यूज कर दिया। हिस्टोरिकली कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है, हिस्टोरिकली जब जब किसी आमिर ने आके वो प्रिवेल कर गया उस वक्त अदालतों ने उसका साथ दिया, जब वो चला गया तो उसके खिलाफ फैसले दे दिए, ठीक है। ये पहली दफा थी पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि परवेज मुशर्रफ साहब ने दो गलतियां की। पहली गलती तो उन्होंने ये की कि जो एक बेसिक असूल है कि वन कू पर डिक्टेटर, वो उन्होंने वायलेट कर दिया रूल कि एक कू तो चले चल गई, लेकिन आप फिर दोबारा से आपको हुआ कि चले जी अगले 10 साल अब हम दूसरी कू करके चल जाते हैं, तो वो चली नहीं, बात लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो अगर आप ये कहना चाहते हैं कि चूंकि अवाम ने वो चीज एक्सेप्ट नहीं की इस वजह से अदालतें भी खड़ी हो गई, तो मैं आपके साथ डिसएग्री नहीं करूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारे जज आज तक फरिश्ते रहे हैं और उन्होंने बड़े हक और इंसाफ और उसके मुताबिक बात की है, लेकिन अब सिचुएशन ये थी कि 2007 की जो इमरजेंसी थी उसके खिलाफ एक पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन हुई। आपने कहा सियासी अमल था, ठीक है सियासी अमल था, लोग बाहर आ गए, उन्होंने नहीं मानी एक चीज, उसके बाद 2 साल बाद दोबारा से कोर्ट बनी। लेकिन बुनियादी नुक्ता क्या है, बुनियादी नुक्ता यह है कि आप माहिर आइन का ले आए वो ये बात नहीं जस्टिफाई कर सकता कि एक आर्मी चीफ ने एक दिन एक डिक्री इशू कर दी कि जनाब आज से मैं इस कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड कर रहा हूं, ये मेरी इमरजेंसी का ऑर्डर है, ये तमाम जज मैंने फारिग कर दिए, ये ओथ ऑफ जजेस ऑर्डर है, ये मेरा तीसरा डिक्री है जो एक प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, ठीक है। चले बाबर, देखिए ना, मैं मसला ये है कि इस आमर का जो ओरिजिनल सिन है वो हुआ है 12 अक्टूबर 1999 को, 1999 को, 14 अक्टूबर को इसने अपना पीसीओ इशू किया, पीसीओ नंबर 1 ऑफ 1999, ठीक है, जिसको के सुप्रीम कोर्ट ने वैलिडेट ना सिर्फ एक दफा किया, दो दफा किया, तीन दफा किया, एक पार्लियामेंट ने उसको वैलिडेट किया। मैं आपके साथ हूं, मैं अभी डिक्लेयर कर देता हूं कि इसका ट्रायल जो है शुरू करें, उसको ट्रायल का नाम दें, इंक्विजिशन का नाम दें, उसको आप ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कह लें, उसको इंक्वायरी कह लें, आप 1999 से यह शुरू करें, मैं आपके साथ हूं। हजारों सैकड़ों लोग जो आज इसकी मुखालफत कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि ये एक फार्सिकल ट्रायल है, जैसे अस्मा जहांगीर साहिबा ने कहा कि ये कैंगरू कोर्ट है, वो सब आपके साथ खड़े हो जाएंगे। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने यही कहा कि अगर ये कैंगरू कोर्ट इस तरह से ट्रायल करके इस तरह से सजा देगी तो अगला आने वाला आमर जो है यहां 20 बरस तक बैठेगा, जैसे इजिप्ट में बैठा, जैसे चिली में बैठा। मैं क्यों कहता हूं ऐसे, मैं क्यों कहता हूं, देखिए देखिए, मैं भी ना उस दिन भी मैं आपको अस्मा जहांगीर साहिबा के याद कर, मेरे और आपके दरमियान एक इत्तेहाद है, हम एक दोनों कॉमन ग्राउंड, मैं भी ये चाहता हूं कि मेरी तरह और आपकी तरह और हमारी तरह के हजारों पढ़े लिखे जो पाकिस्तान
पाकिस्तानी लोग हैं वो चलाएं मिलिट्री को. मिलिट्री का काम है एडवाइस देना, इनपुट करना. सिविलियन सुप्रीमेसी होनी चाहिए मिलिट्री के ऊपर. मैं इसमें बांगे दोहल, इसमें कोई एक सेकंड किसी को शर्म नहीं आनी चाहिए. आर्ग्यूमेंट कहां से आ रहा है? फर्क देखिए, मैं इसका तो जवाब देने देना. 99 वाली आपने बात की, आप 99 तक चले जाएं. जब आप 99 तक जाते हैं तो कोई आपको कहता है कि नहीं, ज्यादा मसला तो 79 में हुआ था, ज़ियाउल हक साहब आ गए, 77 से स्टार्ट कर दें. जब 77 पे जाएं फिर कहते हैं 1958 पे चले जाएं, उससे उधर तक जाएं तो वो कहते हैं जी वो काबिल और आबिल जो थे जो भी थे वहां तक वापस चले. बात वो बात को खत्म करना चाहते हैं. बात ये है, दो ही तरीके हैं ना परवेज मुशर्रफ को डिफेंड करने के. एक तरीका ये है कि आप ये कहें कि जनाब ये तो हमेशा से एक काम होता रहा है, इससे पहले आपने चूंकि इसे चेक नहीं किया, इसे आज चेक करने की क्या जरूरत है. एक आर्ग्यूमेंट ये है. दूसरा आर्ग्यूमेंट ये है कि इस जाल को इतना वसी कर दें जिसमें हजारों लोग शामिल हो जाएं. कब पाकिस्तान की इतनी तारीख है और इतनी भयानक तारीख है. कुछ देखें, जब दूसरा आर्ग्यूमेंट, जब लोग 1977 की बात करते हैं, देखिए ये लोग करते हैं, मैं ज्यादा उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता, वक्त बड़ा कम होता है टेलीविजन प्रोग्राम का. देखिए 1999 इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जिस सिचुएशन अगर 1999 ना होता तो 2007 होना ही नहीं था. डॉक्टर साहब 1999 और अभी में फर्क है ना. फर्क चले आप अपनी बात कर ले, मैं कहता हूं फर्क क्या है. मैं कहता हूं ये हमारा हक है कि हम ये इन्वेस्टिगेट कर सकें, हम दुनिया के सामने ये ला सकें, पाकिस्तान के कौम के सामने, दानिशवरों के सामने ला सकें कि पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक प्रोसेस डिसरप्ट क्यों होता है, ब्रेकअप क्यों होता है, फेल क्यों हो जाता है. मैं कहता हूं तमाम मिलिट्री अफसरान को, मैं समझाऊं ना कि आर्ग्यूमेंट, मैं कहता हूं कोर कमांडर कराची को, जनरल उस्मानी को, कोर कमांडर पिंडी को, महमूद को, जितने कोर कमांडर लाहौर के थे, जनरल मुशर्रफ को, इन सबको हमें किसी कमीशन के सामने या ट्रायल कोर्ट के सामने लाने की जरूरत है. हमें उस वक्त के सियासी हुक्मरानों से भी सब, और मेरा मतलब तजलील करने का नहीं है, मैं ये नहीं कर, मैं कहता हूं किस किस को लाने की जरूरत है. मैं कहता हूं फौजियों को, तमाम सियासतदानों को, वो जो कहते थे कि मिलिट्री इंटरवीन क्यों नहीं करती, वो जिन्होंने उसे वेलकम किया, वो जज साहिबान जिन्होंने उसके ऊपर मोहर सबत की, हमें इन सबको यह पूछना है कि आपने क्यों कहते थे कि मिलिट्री इंटरवीन करे, आपने क्यों सपोर्ट किया. समझ आ गई बात. अगर ठीक है, उससे हमें ये पता चलेगा. नहीं, उससे क्या पता चलेगा, मैं बताऊं उससे क्या पता चलेगा. इस सारी 99 की सारी बात का 2007 से क्या ताल्लुक. मैं यही तो बताना चाहता हूं कि क्या पता चलेगा. देखिए, उससे ये पता चलेगा, हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में अल्लाह ना करे कभी भी यहां पर डेमोक्रेटिक प्रोसेस को डिसरप्ट नहीं होना चाहिए. वो क्या वजूहत थी कि 1997 इसको जोड़ रहा हूं जफर अली शाह केस को, जब आप उसको डिटेल से पढ़ते हैं, और मैं जानता हूं कि आपने उसका मुतालिया किया है. जफर अली शाह केस में बांगे दोहल ये लिखा गया कि उस वक्त की जो डेमोक्रेटिकली हुकूमत थी वो फेल हो गई थी. ठीक है, गलत हो गया. आप उन्हें भी जरूर ट्राई कीजिए, फर्क तो समझ लेना. फिर हमें अच्छा 99 और 2007 का क्या फर्क. तो बाबर फिर क्या 99 का तो देखिए आर्गुमेंट क्या ये है कि जितने जज साहिबान इफ्तिखार चौधरी साहब से पहले आए हैं वो सारे झूठे थे, वो मकार थे, वो फजूल आदमी थे, कैरेक्टरलेस लोग थे, गद्दार थे. हम ये नहीं कह रहे, आप ये नहीं कहना चाहते. देखिए, आप एक और बात कर रहे हैं. आप ये कह रहे हैं कि जनाब ये सारे का सारा माशरा एक गुनाह में शामिल था. उस वक्त जुडिशरी ने भी इन्हें सपोर्ट कर दिया, उसके बाद पार्लियामेंट आई, पार्लियामेंट ने भी इन्हें सपोर्ट कर दिया, 17th अमेंडमेंट में प्रोटेक्शन दे दी, लोगों ने मिनिस्ट्रियां ले ली, इनके साथ चल पड़े, सारा मुल्क इनके साथ चल पड़ा. उस वक्त अशरफिया ने भी सपोर्ट कर दिया, इंटेलिजेंसिया ने भी सपोर्ट कर दिया, मीडिया ने भी सपोर्ट कर दिया, सारे इनके साथ चल पड़े. तो 2007 में जब इन्होंने दोबारा से ये बात, आप क्या चाह रहे हैं कि वो जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि जी पुराना एक बंदा खूनी था, कातिल था, पहला कत्ल किया उससे तो वो बच गया, लेकिन जब दूसरा कत्ल किया और पकड़ा गया वो करते हुए, लेकिन चूंकि पहले कत्ल की सजा का जवाब देता हूं, मुझे इस वजह से दूसरे को भी ट्राई ना करें. जी नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद मैं बाबर सत्तार साहब के इस सवाल का कि एक आदमी और 2007 1999 में क्या फर्क है, जरा इसका जवाब देता हूं आफ्टर द ब्रेक. नाज़रीन, वेलकम बैक. वक्फे से पहले मैं बाबर साहब के सवाल का जवाब देना चाह रहा था. बाबर, बुनियादी तौर पे दो चीजों पे एतराज है वो लोग जो इस पे एतराज करते हैं कि इस पे. एक तो ये है कि ऐसे लग रहा है कि यहां पर मुशर्रफ को अकेला सिंगल आउट करके उससे बदला लेने की कोशिश की जा रही है. सो एक ऑब्जेक्टिव जो है वो बदला लेना है, वो रिवेंज है. और दूसरा जो यहां पर मकसद है, जो टेलीविजन के कैमरे के सामने नहीं कहा जा रहा लेकिन जब प्राइवेट बातचीत होती है, वो होता है कि जी एक जर्नैल को हम टांगेंगे तो पाकिस्तान की आर्मी जो है ये सीधी हो जाएगी, दोबारा कोई ताले आजमा नहीं सोचेगा. मुझे दोनों चीजों पे बड़ा एतराज है. पहले का ताल्लुक जस्टिस के साथ है, आपने एक अकेले आदमी को पकड़ लिया. इवन अगर आप आर्टिकल 6 को भी पकड़ते हैं तो उसमें भी आर्टिकल 6 पर 1-2 एडर एंड एबेटर की बात करता है. और दिस इज चूज जिस पे मैं चाहूंगा हम डिटेल से बात करें कि क्या आप फौज को इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं. डॉक्टर साहब, पहला आर्ग्यूमेंट तो कॉन्ट्रडिक्टरी है ना. एक तरफ कहते हैं कि ये रिवेंज है,
तो रिवेंज अगर नवाज शरीफ ने लेना है तो उसने 99 का लेना है कि 2007 का लेना है? 99 से स्टार्ट करें तो यह है कि जी अगर आप 2007 से स्टार्ट करें, जवाब देता हूं, आप बात करें। दूसरा आप एडर्स और बेटर्स की बात करें, इसका मैं जवाब देखिए 99 का क्या चक्कर है। देखिए इसका चक्कर यह है कि दर हकीकत मियां साहब बदला तो लेना चाह रहे हैं 1999 का, लेकिन चूंकि उसके अंदर पेचीदगियां बहुत ज्यादा है, वो 2007 की जो 42 दिन की इमरजेंसी है जिसके नतीजे में एक आदमी यूनिफॉर्म उतारता है, इलेक्शन कराता है, ट्रांसफर पार कराता है, आपको उनके दिल का हाल पता होगा, मुझे तो नहीं पता, इसलिए मैं तो डॉट कनेक्टिंग कर रहा हूं। अच्छा देखिए जो एडर्स और बेटर्स की बात है, कानूनी आर्गुमेंट क्या है? क्या जनरल मुशर्रफ ने एज प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर इमरजेंसी लगाई और 2007 वाला एक्शन किया? नहीं, उन्होंने ऑर्डर पास किया एज आर्मी चीफ। उन्होंने कहा मैं एज आर्मी चीफ जो भी मेरे अख्तियारात हैं उनके मुताबिक मैं अस्यूम कर रहा हूं इस मुल्क की रियासत की सारी भागदौड़ और मैं दे रहा हूं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, जो वो खुद थे। उसके बाद फिर उन्होंने पीसीओ भी लगाया। सो ये कहना आज के जनाब मुझे एक समरी मूव हुई थी, आईन के अंदर एक इमरजेंसी का प्रोसेस है, अगर शौकत अजीज ने उन्हें एक समरी भेजी होती कि आप इधर गवर्नर रूल लगा दें, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दें, फंडामेंटल राइट्स खत्म कर दें, तो वो एक लीगल आर्गुमेंट भेजी थी, वो मुख्तलिफ है, जो मुख्तलिफ होगी, लेकिन वो आर्मी चीफ को तो नहीं भेज सकते ना, समरी तो वो प्रेसिडेंट को भेजेंगे, आर्मी चीफ ने सारा एक्शन। बिल्कुल सही, पहली बात बिल्कुल सही। दूसरी बात ये एडर्स एंड बेटर्स का कॉन्सेप्ट मौजूद है हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में और उसकी बड़ी वजाहत के साथ बताया गया। एडर एंड बेटर कौन है? वो जो एक जुर्म करने में आपको असिस्ट करे, आपकी मदद करे, आपको वरगलाए। ये नहीं कि आप एक दफा एक काम कर लें और उसके बाद जो आपके बेनिफिशरीज हो 99 से, या जो आर्गुमेंट लिया जाता है कि जनाब हमारे तो सारे ही सियासतदान जो हैं वो डिक्टेटर्स के पले बड़े हैं या उनके उन्होंने पाले पोसे हैं। बेनिफिशरी होना एक रिजीम का एक बात है और एक किसी को, ये तो आपने अच्छा एक्सप्लेन कर दिया, मैं समझता हूं, मैं इसको चैलेंज नहीं करता आपके इस पॉइंट को क्योंकि ये थोड़ा सा कानूनी वकला का है। देखिए एक दूसरा इशू भी है जिसको बाबर एवान साहब ने, जो पाकिस्तान के बड़े मुमताज कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है, उन्होंने उठाया। वो कहते हैं, उन्होंने एक बड़ा लंबा चौड़ा एक्सप्लेन किया एक टेलीविजन प्रोग्राम में, उन्होंने कहा कि जनरल मुशर्रफ का ट्रायल सिर्फ और सिर्फ आर्मी एक्ट के तहत हो सकता है। देखिए मैं इससे डिस्क्री करता हूं डॉक्टर साहब। आर्मी एक्ट जो है उसमें एक आउस्टर क्लॉज है जो कहती है कि आम अदालतें अगर कोई चीज आर्मी एक्ट के नीचे ऑफेंस हुआ है, कोई जुर्म हुआ है और वो बंदा आर्मी एक्ट के उसके ऊपर अप्लाई होता है तो फिर वो चलेगा। और इस वजह से आम अदालत अगर वो उस किसी जुर्म को देखेगी तो वो पहले फौज को लिखेगी, अगर फौज कोर्ट मार्शल करना चाहती है तो फिर ये रुक जाएंगे, फौज करेगी उन ऑफेंसेस का जो आर्मी एक्ट जिनके ऊपर अप्लाई होता है। ट्रीजन का एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के नीचे ऑफेंस दिया गया और कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद ही बता दिया कि इसकी पनिशमेंट पार्लियामेंट बताएगी कानून के तहत। पार्लियामेंट ने फिर कानून के तहत मुझे चीज समझाएं आपकी, जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी तो क्या वो एक्ट ऑफ ट्रीजन था हिंदुस्तान में? नहीं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल पाकिस्तान में नवाज शरीफ फारूक खान लगारी ने भी लगाई, बिल्कुल नवाज शरीफ के जमाने में लगी फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो किसी ने ट्रीजन का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि आईन के मुताबिक हुआ, ये तो आईनी एकदम ही नहीं था ना, आपने जजों को बाहर निकाल दिया, खत्म कर दिया। क्या जनरल मुशर्रफ एज प्रेसिडेंट, दो चीजें मैं समझना चाहता हूं आपसे चूंकि आप लीगल एक्सपर्ट हैं। देखिए जनरल मुशर्रफ अगर एज प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगाता तो क्या वो बाइख्तियार नहीं था कि इमरजेंसी लगा सकता? लेकिन ये काम नहीं कर सकते थे ना, इमरजेंसी की जो प्रोविजन है वो बताती है कि आप इमरजेंसी में क्या कर सकते हैं। अगर एक सूबा ठीक नहीं चल रहा तो आप सूबे की भागदौड़ ले सकते हैं, गवर्नर रूल लगा सकते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स खत्म कर सकते हैं, लेकिन आप जजों को नहीं निकाल सकते। अच्छा, क्या अगर बाकी कानून की आप प्रोसीजर को खत्म नहीं कर सकते? लेकिन जनरल मुशर्रफ की एक्सप्लेनेशन तो गालिबन ये है कि चूंकि ये जज साहिबानी इफ्तिखार चौधरी साहब उनको ट्रांसफर ऑफ पावर के प्रोसेस से रोक रहे थे और ये उनके खिलाफ साजिश कर रहे थे, ये एक मूव कर रहे थे, उन्होंने इमरजेंसी लगा के इनको हटाया रास्ते। तो फिर डॉक्टर साहब फिर नहीं, लेकिन फिर बात ये है ना कि जब आप आमिर होते हैं और जब आपके पास सारे का सारा इख्तियार है तो आप जो मर्जी इल्जाम लगा के जो मर्जी कर लें। इस इमरजेंसी में करेक्ट नहीं, इफ आई एम रॉन्ग, इस इमरजेंसी के नतीजे में पाकिस्तान की पार्लियामेंट खत्म नहीं हुई, पाकिस्तान की नहीं, पार्लियामेंट तो वैसे ही इलेक्शन होने जा रहा था, इलेक्शन होने जा रहा था पार्लियामेंट को क्या खत्म करना था? बात यह है कि अगर आप आईन का एक दारा तोड़ दें आईन के नीचे, इसको डिफाइन कर देना, मैं चाहता हूं कि इसको डिफाइन कर दें हमारे व्यूअर्स के लिए। देखिए जनरल मुशर्रफ की इमरजेंसी दर हकीकत जज साहिबान, आप उसे इमरजेंसी प्लस कह लें, आप उसे जो मर्जी कह लें, लेकिन अगर आप कानून आईनी एक इदारे को खत्म कर देते हैं, कानूनी प्रोसेस को, एक प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर तो लेके आए ना, वो उन्होंने हुक्म किया कि ये प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है, एक आर्मी चीफ के पास या एक प्रेसिडेंट के पास आज ममनून हुसैन साहब प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर लेके आ सकते हैं? देखिए ममनून हुसैन बेचारे, देखिए ममनून हुसैन साहब के पास तो दर हकीकत वो सियासी ताकत ही नहीं है ना, उनके साथ खड़ा कोई नहीं है। थोड़ा सा सिर्फ इसको थोड़ा सा ये क्लियर कर, क्या आप दूसरी जो वो जो कोर्ट मार्शल वाली बात ही ना, देखिए ये बड़ी खतरनाक बात है और ये जनरल मुशर्रफ, ये वो वाली सिचुएशन है
कि फौज ने तो कंबल को छोड़ दिया, कंबल फौज को नहीं छोड़ दिया। आप सोचें, ये एक एप्लीकेशन मूव कर रहे हैं अदालत में कि जी कोर्ट मार्शल करें हमारा। फर्ज कर लें कि ये स्पेशल कोर्ट मान जाती है और कहती है जी कोर्ट मार्शल करें, फिर क्या होगा? फौज अपने एक साबिक आर्मी चीफ का कोर्ट मार्शल करेगी, तीन ब्रिगेडियर बिठाएगी जो उसका कोर्ट मार्शल करेंगे, वहां पे एविडेंस पेश करेगी, एक तमाशा बन जाएगा। कोर्ट ने क्या रोज आपका मीडिया वहां पे पहुंचा हुआ होगा, कितना नुकसान होगा इससे? क्या 1995 में जनरल जहीर इस्लाम जो थे, जहीरुल इस्लाम थे, उनका कोर्ट मार्शल नहीं हुआ, उन्हें 7 साल सजा हुई, उनके साथ ब्रिगेडियर मुस्तनजर बिल्ला को 14 बरस सजा हुई, उनको फिर एक ऑर्डिनरी जेल में भेज दिया गया, कोर्ट मार्शल हुआ ना, उसका एक प्रोसेस है। तो वो हाकिम वक्त ने करवाया ना, प्रेसिडेंट तो था ना, हाकिम वक्त ने करवाया। आप बताइए कि आज हो सकता है ये काम? देखिए बाबर, मेरा बुनियादी इख्तलाफ तो आपके साथ शुरू से वही है। मेरा इख्तलाफ ये है कि मुशर्रफ का जो ट्रायल है उसको आप बाकी जनरल जहीरुल इस्लाम के ट्रायल के साथ मिक्स इसलिए नहीं कर सकते कि वो एक खालिस्तन मुख्तलिफ किस्म का ट्रायल है, ये एक सियासी सूरत हाल है। और क्यों है सियासी सूरत हाल, मैं चाहता हूं उसको वाजे करना बड़ा जरूरी। जनरल मुशर्रफ का एक एग्रीमेंट हुआ अमरीका की हुकूमत के साथ एनआरओ के हवाले से, जिसमें मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शामिल थी, जनरल कयानी उसके गारंटर थे। जनरल मुशर्रफ बाउंड था ट्रांसफर ऑफ पावर करने के लिए, यूनिफॉर्म उतारने के लिए, इलेक्शन करने के लिए। उसके दरमियान में इफ्तिखार चौधरी साहब जो थे अपनी सारी चीजें लेके घुस गए, और इफ्तिखार चौधरी तो साहब का रास्ता करे डॉक्टर साहब, अब यानी आईन बंद कर दे, कानून बंद कर दे, अब कहे कि जी एक चूंकि एक पॉलिटिकल डील हुई थी, उसके इन्हें मिनट्स कोई भिजवा दे अमेरिका, या जनरल क्यानी भिजवा दें, या कोई दुबई वाले भिजवा दें, तो ये कहें कि अच्छा ये सब कुछ चूंकि हुआ हुआ था इस तरह से, इस वजह से आईन कानून बंद कर देते हैं और इसी तरह चलाएं। देखिए मैं आपसे एग्री करता हूं, और हमारे प्रोग्राम की खूबसूरती यही है कि हम इसमें ब्लैक एंड व्हाइट पोजीशन नहीं लेके आ रहे, हम इसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्स और पेचीदा पोजीशन लेके आ रहे हैं। कानून को शायद वही करना था जो कानून को करना पड़ा, यह इफ्तिखार चौधरी की अपनी एक पोजीशन अपनी जगह बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जनरल मुशर्रफ की सियासी पोजीशन देखें, हमारा है क्या कि कानून और सियासत का झगड़ा क्या है? कानून एक नैरो पर्सपेक्टिव से चीजों को देख रहा है। जनरल मुशर्रफ को ट्रांसफर पार करनी थी, अगर जनरल मुशर्रफ कंट्रोल एक्सरसाइज ना कर सकता किंगडम में, रेल में, रियासत में, तो वो ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं होनी थी, ये उसका सबसे बड़ा डिफेंस। लेकिन ये जो हमने कोर्ट बिठाई है, जो स्पेशल कोर्ट, बड़ा मजार आपने बात की कि ये तो बेहतरी थी ये पीपीपी के लिए और जमहूरियत के लिए उन्होंने सब कुछ किया कि ये जो मिसक्रिएंट जजेस थे इन्हें निकाल के बाहर करें और ये सिलसिला अच्छा, आगे चलता रहा, ये ना हो कि जज कहीं रोक दे सियासी अमल। बाबर अब ये कहते हुए बुरा लगता है लेकिन हकीकत ये है, मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं कि समर ऑफ 2007 जून जुलाई में एतजाज एहसन साहब तशरीफ लाए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, उन्होंने बड़ी मैराथन स्पीच की, ये उसके बाद था जब अपना मुकदमा जीत चुके थे और इफ्तिखार चौधरी साहब की रेस्टोरेशन हो चुकी थी। तो मैंने उनसे एलएससी में यह सवाल पूछा, जिसके बाद मैं और एतजाज साहब डिनर पर भी गए, तो मैंने उनसे सवाल पूछा, मैंने कहा जी आप आए सेल्फ्रिजेस के टॉप फ्लोर पर, शहबाज शरीफ साहब ने आपको लंच करवाया लेकिन मोहतरमा बेनजीर भुट्टो आपसे मिल नहीं रही, क्या वजह? बड़े हंसे कहने लगा, देखिए मोहतरमा इसका जवाब दे सकती है कि वो मुझसे क्यों नाराज है। लेकिन डिनर पे उन्होंने मुझे ये बताया कि मोहतरमा जो है मुझसे शदीद नाराज हैं, वो समझती हैं कि मैं और ये जज, ये सब लोग जो हैं उस ट्रांसफर ऑफ पावर के रास्ते में रखने डाल रहे हैं। आपको बड़ी अच्छी बात है, अगर कोई उस वक्त एनआरओ को रोक रहा था जो इतना भयानक लॉ था बाद में, जिसके बाद आपने सारी की सारी करप्शन जो थी वो लेजिटिमाइज करनी थी, तो ये क्या आर्ग्यूमेंट है कि आप गलत तरीके से सही काम, देखे ना ये तो मींस और एंड्स का झगड़ा हमेशा से चलता आ रहा है कि गलत तरीके से हम सही काम करने की कोशिश कर रहे हैं। एक आमिर आता है, वो आके कहता है मैं असल जमहूरियत लेके आना चाहता हूं। अच्छा मुझे एक ब्रेक लेनी है, लेकिन मैं ये जरूर आपसे एग्री करूंगा कि जिस तरह से आप एनआरओ से नफरत करते हैं और उसको एक रिपग्नेंट चीज समझते थे, मैं भी उसको एक रिपग्नेंट चीज समझता हूं। मसला ये है कि मैं उसकी सियासी पेचीदगी को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम जरा ये भी देखते हैं कि आगे क्या होगा। नाज़रीन वेलकम बैक, वहीं से शुरू करते हैं जहां हमारी बात थी बकरे से पहले। देखिए मैं आपसे फुली इस चीज में एग्री करता हूं कि एनआरओ जो है वो एक बहुत ही उसके एस्पेक्ट्स ऐसे थे कि बहुत बुरी डील थी, लेकिन सियासत में बहुत सी चीजें बहुत गंदी और बड़ी घटिया किस्म की होती हैं। सियासत नाम ही एक इस दुनिया का है। एनआरओ अगर ना होता तो ट्रांसफर ऑफ पावर जिस मौके पर हुई, जिस तरह से इलेक्शन हुए, यूनिफॉर्म उतरा, वो शायद बहुत देर तक वो चीजें ना हो सकती, उसके लिए हमें बहुत बड़ी जद्दोजहद जो है वो करनी पड़ती। लेकिन मैं समझता हूं अभी हमें देखने की चीज ये है कि आगे इस पर आर्मी का क्या रिएक्शन होगा, सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप पे इसका क्या फर्क पड़ेगा। और मैं ये समझता हूं कि जो पीएमएलएन की लीडरशिप के जहनों में ये ख्याल है कि एक जर्नैल को हम टांग देंगे तो बाकी जर्नैल सीधे हो जाएंगे, इन्हें कान हो जाएगा, फ्यूचर में कोई हमारा रास्ता नहीं रोक सकेगा, हम फिर बिला शिरकत गैर इस मुल्क पे हुकूमत कर सकेंगे, पहले हमने ये टांगा होता, पहले प्रोसेस हो गया होता, तो ये चीज मुझे बड़ी खतरनाक नजर आती है, ये सेंटिमेंट मुझे बड़ा खतरनाक नजर आता है। ये आपको सेंटिमेंट क्यों नजर आता है? मुझे तो ये इसलिए लोग बताते हैं, इसलिए मुझे तो नहीं नजर आता। देखिए लोग बताते हैं इस वक्त किसी अगर एक बंदे का इंटरेस्ट है कि इसे आर्मी का इशू बनाया जाए तो वो इंसान जो है वो परवेज मुशर्रफ साहब है, क्योंकि परवेज मुशर्रफ साहब एक काम में अब पकड़े गए हैं। ये हमारे माजी में था
फौज इसके साथ डील नहीं करना चाहती, एक नया चीफ आया है, उसके सामने एक अपने इश्यूज हैं, मुल्क जो है एक बड़ी सीरियस सिक्योरिटी सिचुएशन से गुजर रहा है, उसके पास वक्त नहीं है कि वो अपनी एनर्जीज और अपनी टाइम और अपना जो इंस्टीट्यूशन है वो एक 10-15 साल पुराने इशू के ऊपर गुजारे। लेकिन इस तरह से परवेज मुशरफ साहब, ये वो वाली कहानी है जब पंजाबी में कहते हैं जफा डाला हुआ है उन्होंने। आप AFC पहुंच जाते हैं, एक अफवाह क्रिएट होती है कि जनाब देखें फौज इन्हें ले गई है, वहां पे बिठा लिया अपने पास क्योंकि इस प्रोसेस को कंट्रोल करना चाह रही है। हर तरह की कंस्पिरेसी निकली कि जी देखेंगे दो दिन बाद ये यहां से क्रॉमवेल हॉस्पिटल में पहुंच जाएंगे, कुछ नहीं हुआ इसमें से। क्योंकि और मुझे तो ये भी इस तरह के भी मुझे लोगों ने शक है, मुझे लोगों ने ये भी कहा कि बड़े सरप्राइज थी आर्मी की हाई कमांड के जनाब ये कहां से आ गए। मैं आपसे एग्री करता हूं, मुझे शक है कि जब शुरू में एक बहुत ही प्रोमिनेंट टेलीविजन एंकर ने ये कहा कि मुशरफ को खुद नहीं पता था कि वो उनको कहां ले जाया जा रहा है, या रास्ते में गार्ड खड़े थे, इलाका सारा सिक्योर था, सड़कें सिक्योर थी, तो वो ये गलत कह रहे थे। सबसिक्वेंट इवेंट्स ने यह बात साबित की है कि आर्मी जो है इस मामले से लातालुक रहना चाहती है, कम अज कम खुल के इस तरह से एक्सप्रेस वो अपने आप को नहीं करना चाहती। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि पाकिस्तान आर्मी के रैंक एंड फाइल के अंदर जहां जूनियर ऑफिसर्स एग्जिस्ट करते हैं वो ये जो टर्म है गद्दार की या जो ये मुकदमा है इससे डिस्टर्ब फील नहीं करते। पाकिस्तान आर्मी आज इस सिचुएशन में नहीं है और ये PMLN को भी पता है, ये हुकूमत को भी पता है कि अफवाज पाकिस्तान इस सिचुएशन में नहीं है कि खुल खला इस चीज की मुखालफत कर सकें, और इसीलिए ये समझते हैं कि हमारे पास ये एक बड़ी ब्रिलियंट स्प्लेंडेड अपॉर्चुनिटी है। फ्यूचर की तरफ देखा, पाकिस्तान पहला मुल्क नहीं होगा जहां पर ट्रीजन के ट्रायल्स हुए हों। एक हमारे सामने हिस्ट्री है लैटिन अमेरिका की जहां पे कूज भी हुई, फौजी हुकूमतें भी आईं और उसके बाद वो गई भी, ट्रायल्स भी हुए, सोसाइटी के अंदर पोलराइजेशन भी हुई, किसी किसी वक्त अर्जेंटीना में हुआ, मेक्सिको में हुआ, चिली के अंदर हुआ, बाकी जगहों पे हुआ। हम टर्की का अपना एग्जांपल देख रहे हैं कि वहां पे आपने बड़ा अच्छा किया आपने। और नहीं, मैं आपके साथ आपको थोड़ा सा मैं खाली एक बात कह दूं, मैं कंप्लीट कर लूं बात। मेरा ये आर्ग्यूमेंट नहीं है कि एक फौजी को आप ट्राई करें और उसे पनिश कर दें तो उससे डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश हो जाएगी, डेमोक्रेसी अपनी स्ट्रेंथ पे एस्टैब्लिश होगी। थैंक यू वेरी मच, मैं एग्री करूंगा अगर आर्गुमेंट में। देखिए मैं आपको थोड़ा सा टर्की का लोगों के लिए वजाहत कर दूं कि चूंकि PMLN के जहन में टर्की का मॉडल बहुत ज्यादा है, लैटिन अमेरिका का तो किसी को पता नहीं है पाकिस्तान में, वहां ना कोई जाता है ना कोई पढ़ता है उसके बारे में, वो आप पढ़ते होंगे ठीक है। टर्की का मॉडल जो है उसको बड़ा गलत समझा गया है। टर्की में एर्दोगान की गवर्नमेंट ने उन लोगों पे अफसरान पे मुकदमा चलाया जिन पे ये इल्जाम था कि 2002 में AKP की हुकूमत आने के बाद वो गिराने की कोशिश की गई, गिराने की कोशिश कर रहे थे, साजिश कर रहे थे। ये एक नाकाम साजिश थी जो डिस्कवर हो गई। लेकिन अब देखिए क्या हो रहा है, इस वक्त प्राइम मिनिस्टर एर्दोगान और टर्की की मिलिट्री जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि उस चीज का एक रीट्रायल हो, बिकॉज आज एर्दोगान को मिलिट्री की सपोर्ट की जरूरत है, उनको एक नए सियासी मुखालफीन का गलन की शक्ल में सामना है और वो दोबारा से पैचअप करने की कोशिश कर रहे हैं। एक लंबी मेरी नजर आगे है, मेरी नजर आगे है। इशू ये है कि हमने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है या हमने इसे वापस लेके जाना है। बाबर मेरा और हम डरते रहेंगे इस चीज से कि जनाब अगर एक आमिर को हमने कहीं टांग दिया या और टांगना कोई नहीं चाहता आमिर को, अगर एक आमिर का ट्रायल हो गया, सजा हो गई, और मुझे यकीन है कि अगर कहीं सजा हो गई तो पार्डन भी हर सूरत हो जाएगा, ये भी इशू। देखिए मुझे मैं आपसे ट्रायल आपसे जो है अगर हो गया तो यहाँ पे कयामत आ जाएगी और एक और आमिर आके बैठ जाएगा। देखिए मैं आपसे एग्री करता हूं कि यहां कोई बहुत बड़ी सजा नहीं हो पाएगी, पार्डन भी हो सकता है, लेकिन मुझे यहां पे एतराज यह है कि कोशिश ये की जा रही है कि मुशरफ को हथकड़ी लगाई जाए, उसके बाद उसको माफी दे दी जाए, जो हमारे साथ हुआ था 1999 में वो हम कर ले, मुझे इस पे एतराज है। लेकिन इससे ज्यादा जो चीज मुझे खतरनाक नजर आती है, डॉक्टर साहब, ये हीरो का हाल आपको कैसे पता है? नजर आ रहा है। देखिए इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है जो आपने एग्री किया और और आपका उसमें एग्रीमेंट है कि आप ताले आजमाओं का रास्ता इस तरह से नहीं रोक सकते। मैं मोहतरमा अस्मा जहांगीर साहिबा से पूरी तरह से एग्री करता हूं जो कहती हैं कि अगर इस तरह से ये फार्सिकल ट्रायल आप करेंगे, एक कैंगरू कोर्ट जिसको वो कह रही हैं उसके थ्रू ये ट्रायल आप करेंगे, कैंगरू ट्रायल की बात की है जिसके और उन्होंने कोर्ट के बारे में ऐसा नहीं कहा, उनके रिटर्न हमारे सामने आए हैं उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं ठीक है ना। अगर हमने गलत कह दिया तो मैंने पूछा उनसे, उन्होंने कहा, मैंने कहा ये प्रोसेस सारा जो है ये कैंगरू ट्रायल का, इसके नतीजे में मुल्क में पोलराइजेशन पैदा होगी। इस मौके पे हमारे और बहुत ऐसे मसाइल हैं, 1997-99 की जो हुकूमत थी मोहतरम नवाज शरीफ साहब की वो भी स्लिपरी पाथ पे चल पड़ी थी। देखिए वो स्लिपरी पाथ क्या था, पहले ब्यूरोक्रेसी की उन्होंने पिटाई करनी शुरू की, फिर फैसलाबाद में हथकड़ी लगाने का वाकया हो गया, फिर सुप्रीम कोर्ट के साथ उनका झगड़ा हो गया, फिर सुप्रीम कोर्ट की स्टॉर्मिंग हो गई, मुझे मैं खत्म कर दूं, फिर प्रेसिडेंट फारिग हो गए, फिर उसके बाद मिलिट्री चीफ फारिग, और मत भूलें कि सेनेटर सैफुररहमान पीपल्स पार्टी और अपोजिशन के पास पीछे पड़े हुए थे, वो स्विस केसेस, वो मुकदमे, फिर कराची के कॉर्पोरेट
सर्कल की बारी आ गई। होता होता यह हुआ कि जंग और न्यूज अखबार के साथ झगड़ा शुरू हो गया। तो जब अक्टूबर 1999 आया दो बरस के बाद, तो पीछे से एक लावा पक रहा था। डॉक्टर साहब, ये सारे के बावजूद कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी कि जनरल मुशर्रफ ये एक दिन डिसाइड कर लें बिल्कुल जनाब अब मैं चलाऊंगा क्योंकि इनसे मुल्क सही नहीं चल रहा। मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं थी। जनरल मुशर्रफ ने जो कुछ किया गलत किया, मैं उसकी एक सियासी एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन कर रहा हूं कि सियासत के आप ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि लोग क्यों नहीं खड़े हुए, क्योंकि लोग उनसे गवर्नेंस नहीं मिल रही थी तो लोग इस वजह से तंग थे। इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि कानूनी और आईनी जवाब पैदा हो गया कि आप आके। मेरा शुरू से यह है कि सियासी जवाब पैदा हो गया, कानूनी जवाब नहीं था। जनरल मुशर्रफ जवाब नहीं पैदा हुआ। जनरल मुशर्रफ ने सियासी जनरल मुशर्रफ पैदा हो गई कि कोई ऐसा जनरल मुशर्रफ ने जो इंटरवेंशन 1999 में की उसका ट्रायल होना चाहिए। वो असल ओरिजिनल सिन है। वो करने से कोई नहीं रोक रहा, नहीं रोक रहा। आप कर रहे नहीं कर रहे नहीं, तो फिर आप ये प्रेशर डाले ना। आप ये क्यों कहते हैं कि 2007 का ट्रायल ना करें? देखें आप देखें मैंने शुरू से आप एक क्राइम को पनिश कर रहे हैं, आप दूसरे क्राइम को भी पनिश कर दीजिए। अब मुझे भी बोलने देखें, मैंने शुरू से इस प्रोग्राम के पहले हिस्सों में कहा कि अगर इस ट्रायल को होना चाहिए तो इसको सिर्फ कुछ भी इसको नाम दे दें, इसको 1999 से होना चाहिए। अगर आप 2007 की 42 दिन की इमरजेंसी पे जो ट्रायल करते हैं, आप इसके सिर्फ दो मकसद हैं। आप दो ट्रायल रिवेंज लेना चाह रहे हैं? नहीं, मैं क्या आप दो ट्रायल क्यों नहीं कर सकते? वफा जब जब गवर्नमेंट इस ट्रायल के बाद उस ऑफेंस के ऊपर कोई पाबंदी आ जाए, मुझे एक्सप्लेन तो कर। जब गवर्नमेंट यह फैसला करती है कि हमने 1999 का ट्रायल नहीं करना है, हमने सिर्फ 2007 का करना है और एक ही आदमी का करना है, तो आप एक पोलिटिकल डिटरमिनेशन करते हैं, एक सियासी फैसला करते हैं। कानूनी वजूहात हैं डॉक्टर साहब, उसमें एक बिल्कुल जिस तरह आपने शुरू में आइडेंटिफाई किया कोर्ट का गलत फैसला था, कानून तो टूट बन जाता ना उसके बाद। नहीं, उसके बाद आपकी पार्लियामेंट ने जस्टिफाई कर दिया 17th अमेंडमेंट में और प्रोटेक्ट कर दिया। 18th अमेंडमेंट में वो चीज खत्म की गई। अब आप उसे करेंगे तो रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट होगी और लोग कहेंगे कि देखें एक नए पार्लियामेंट ने आके पिछले की दी हुई प्रोटेक्शन खत्म कर दी और उसे पनिश किया। अच्छा, आप इसको समअप कर ले, वक्त हमारा बिल्कुल। देखिए, मेरे ख्याल में आगे चलने के लिए चार बातें हैं। एक तो ये कि प्रेसिडेंट मुशर्रफ, जनरल मुशर्रफ अब सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, इन्हें एक बावकार तरीके के साथ अदालत के सामने पेश होना चाहिए और वहां पे अपनी दलीलें रखनी चाहिए। अदालत को नहीं मानते, अदालत को जाके बताएं। AFIC में छुपना और फौज के साथ के कंधे पे रख के बंदूक चलाना, ये काम नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये, इस ट्रायल को बहुत लंबा नहीं करना चाहिए। हमारी एक सिक्योरिटी सिचुएशन चल रही है, जितनी लंबी होगी इंस्टीट्यूशन के अंदर स्ट्रेस लेवल उतना बढ़ता जाएगा। अच्छा, तीसरी और आखिरी बात यह है कि हमारे मीडिया को बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चलना चाहिए और डिस्टिंग्विश करते रहना चाहिए कि परवेज मुशर्रफ है और पाकिस्तान आर्मी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है हमारा, वो एक मुख्तलिफ चीज है। चलिए, वक्त चूंकि बिल्कुल ही खत्म हो गया, नासिर मैं बाबर से इस पे इत्तफाक करता हूं कि जनरल परवेज मुशर्रफ को अब अदालत के सामने पेश होना चाहिए। लेकिन मुझे उम्मीद यह है कि पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर, उनके रुफकाए कार ये गौर करेंगे, इस सूरत हाल को समझने की कोशिश करेंगे कि अभी तो जनरल मुशर्रफ को सजा भी हो जाएगी, मुझे इसमें कोई जरा भर रत्ती भर शक नहीं है कि आर्मी की तरफ से किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान की बॉडी पॉलिटिक के अंदर एक ऐसी पोलराइजेशन पैदा होगी जो इस हुकूमत की परफॉर्मेंस के लिए आगे आने वाले सियासी चैलेंजेस में कोई बेहतर और मददगार और मावन साबित नहीं हो सकेगी। यहां पर यह तासर रहेगा कि जनरल मुशर्रफ को रिवेंज का निशाना बनाया गया है और पाकिस्तानी अफवाज को यह कि एक को लटका दें तो बाकी को सीधा करेंगे, यह मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। और यह मैसेज जो है यह पाकिस्तान की सियासत के लिए आगे आने वाले दिनों के लिए कोई बहुत मुनासिब मैसेज नहीं होगा। बहुत शुक्रिया।